दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th बाईस तारीख कर्फ्यू के बाद में 23 तारीख से अपने यहाँ लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन की अवधि के दौरान जो हमारे यातायात विभाग द्वारा चालान हुए हैं वो लगभग 2000 के पास है, जिसमें लगभग 500 से 600 व्हीकल है वो सीज है, और अभी तक चालान हमारे जारी है। और पर डे इतनी मतलब सख्ती के बावजूद भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं क्यों बाहर घूम रहे हैं। पर डे अभी भी एवरेज हमारे 200 के आसपास चालान हो रहे हैं। मैडम, वाल्के समाज जैसे कि वर्दी पहन के घूम रहे हैं और ऐसे ऐसे भी है बेवजह लोग रोड पे घूम रहे हैं। हाँ नहीं, जो ड्यूटी के तो है उन लोगों को हम जो भी किसी भी ड्यूटी में है, चाहे वो नगर निगम से है, चाहे चिकित्सा विभाग में है, चाहे किसी अन्य विभाग में है, हम उनको कर रहे हैं। लेकिन जो चालान उन्हीं का ही कर रहे हैं जो मतलब ड्यूटी वाला एक व्यक्ति वो साथ में दो सवारी अपने लेके जा रहा है, और बीमार एक है साथ में तीन एक्स्ट्रा जा रहे हैं। तो मैं लोगों से भी निवेदन करना चाहती हूँ कि इसको मजाक न ले। कल एक किस्सा मैं बताती हूँ कि एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, जब हमने रोका तो हमारे सामने ड्रामा करने लगा, हाय मुझे हार्ट अटैक आ रहा है। मैंने कहा आपको मैं मेरी गाड़ी में ले जा रही हूँ हॉस्पिटल, इस बच्चे को घर छोड़ के आइए। तो वो एकदम नॉर्मल हो गया। तो इस तरह का ड्रामा हम मतलब हमसे बचने के लिए ना करें। आप अपने आप को खुद एक न्योता दे रहे हैं। उनके साथ जो बच्चा था 9-10 साल का था, अगर उसको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं वो लोग और वो इन्फेक्टेड हो गया तो आज उसकी ज़िंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं इस दुनिया में। तो आप, मैं इन लोगों से कहना चाहती हूँ कि हमें देख करके जो ड्रामा करते हैं, हॉस्पिटल है हम हॉस्पिटल हम ले जाने को तैयार हैं, आपको कहीं प्रॉब्लम है आप बीच में हैं, हॉस्पिटल वालों को कहीं नहीं रोक रहे हैं, लेकिन साथ में बच्चों को या अन्य फैमिली मेम्बर्स को आप नहीं लाए कृपया। और जो पासधारी उनसे भी निवेदन करना चाहती हूँ कि आप केवल स्वयं यूज करें पास का दुरुपयोग नहीं करें। और अगर आप वालों ने भी एक लोडिंग बनाई है आपके सामने होगा, देखो मैडम बिल्कुल ही वैसा लोडिंग बना है, बिल्कुल ये गलत है, इनके खिलाफ भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। इनको भी क्योंकि जो सामान लाना है पैदल जाकर के आसपास अपना सामान ला सकते हैं, और आपको अगर दुकान के लिए सामान चाहिए तो उसके लिए लोडिंग टेम्पो अलाउड है। इस तरह से जो आप व्हीकल ले जा रहे हैं, इसीलिए हमारी जो रोज़ की कार्रवाई है वो लगभग 200 है। इन लोगों को हम वापस निवेदन करते हैं, आप अपने हद में रहिए, घरों में रहिए, और हम लोगों को सख्ती के लिए मजबूर ना करें। कार्रवाई आगे तक चलती रहेगी, बिल्कुल चलती रहेगी, जब तक लोग समझेंगे नहीं तब तक ये कार्रवाई चलती रहेगी।